करीब 3 माह तक बंधुआ मजदूरी के दौरान नरकीय जीवन बिताने के बाद लौटे 5 परिवारों के 20 सदस्यों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। जनसहाय संस्था के सदस्यों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे परिवार ने पुनर्वास के लिए मदद मांगी है। मजदूर कमलेश बिसन अहिरखेड़ा, रामदास रातला काबरी, रविंद्र सोलंकी काबरी, अनिल पप्पू काबरी आदि ने बताया कि करीब 3 माह पहले काबरी निवासी विक्रम वैस्ता और अस्थिराम उन्हें 2 माह के लिए 20,000 रुपए मजदूरी देने का कहकर महाराष्ट्र के बीड जिले के ब्लॉक देवराय स्थित ग्राम बोरगांव में गन्ना कटाई के लिए ले गया था। वहां हमें कृष्णा गाड़े के खेत में ले जाकर छोड़ दिया। जब वहां काम करने लगे तो खेत मालिक का व्यवहार निर्दयतापूर्ण रहा। न तो समय पर खाना दिया जाता, न ही पीने को साफ पानी। इतना ही नहीं, ठहरने की जगह पर 3 चौकीदार बैठा दिए और रात में गश्त से वाहन भी नहीं आते थे। एक युवक ने भागकर गांव में दी सूचना। जन सहाज के राकेश शोले, यास्मिन खान, रितेश सुरागे आदि ने बताया कि गन्ना कटाई के लिए 7 महिला, 7 पुरुष और 6 बच्चे गए थे। इनमें से एक युवक अफसर वहां से भाग कर आया, जिसके बाद बंधक बनाए जाने का खुलासा हुआ। अफसर और अन्य मजदूरों के परिवारों ने पुलिस को सूचना दी। उन्हें वापस लाने में जन साहस और पुलिस ने मदद की। खरगोन से ब्यूरो की रिपोर्ट। ये सर, हम काम करने के लिए महाराष्ट्र गया, गन्ने तुलने को वास्ते ले गया। हमको 20,000 रुपये एडवांस दिया था उसने। उसके बाद गया, 2-2.5 महीने काम किया तो 20,000 रुपये काटने के बाद भी हमारे को खाने पीने की सुविधा नहीं दे रहे थे। फिर हमने वहाँ से बोला उसको, मालिक को तो पैसे भी नहीं दे रहे थे कुछ नहीं, और बीमार था भी हो रहे थे तो कोई पैसे वगैरह दवाखाने में भी नहीं ले जा रहे थे। तो फिर हमने बोला उसको, फोन कहीं कर ही नहीं रहा था, हमको तकलीफ हो रही थी उधर काम के वास्ते भी। हाँ, परेशान भी कर रही थी और गाली गलत कर रहा था, किसी को मारकूट करने के लिए परेशान कर रहा था। हम गए थे बीड जिले में, बोरगांव में था। क्या काम किया? हम गन्ने तुड़ाई की, गन्ने तुलने को गया। कितने महीने काम करा? हमने 2.5 महीने काम किया। मेरे बात क्या समस्या है? हमको 600 रुपये उस बोल के ऐसा ले गया था। उसके बाद हमने को खाने पीने के सुविधा दे रहे थे, ऐसा बोल रहा था उसने कि 50-60 रुपये रोज तुम्हारा गिर रहा, तुम क्या काम कर रहे हो ऐसा। हमको 12-12 घंटे काम करवा रहा था, रात भी 12 बजे तक। अब ये उसको जन सहाय से उसको बोला तो उसको उसने हमने शिकायत किया, हमने पुलिस वाले को बोला हमको, और हमको उसको बोला तो उसने यहाँ से कार्रवाई कराई, आवेदन बना। यहाँ लग के आ गया तो हम वैसे नया जिंदगी में आ गए, नए साल में आया तो नया जिंदगी में आ गया। हाँ, बंधक बना के ला रखा वहाँ से, और जैसे हमने को यहाँ से आके हमको 20,000 रुपये लेके गया था, वो भाग के आ गया। उसको बोला तो उसको पैसे नहीं दे रहा था कुछ नहीं, और बोल रहा था कि तुमको ऐसे ही मारकूट करूंगा, कहीं तुम्हारे जैसे ऐसे चेतावनी दे रहा थी तो अभी कभी मेरा मारकूट चालू हुआ था तुमको पता भी नहीं चलने दूंगा, गायब कर दूंगा, ऐसे ही बोल रहा था। मेरा नाम सुनील है, काबरी। कहने की यहाँ पर महाराष्ट्र के जो कृष्णा गाड़के है, जो गाड़गे उनने तो महाराष्ट्र में गन्ना कटाई के लिए इनको कुछ पैसा 10-20,000 रुपये एडवांस दिया था और 3 माह के लिए काम के लिए ले गए थे। इनके बीच में जो मालिक था वो लेकर गया था, बाकी वो लोग यानी कि उनसे काम करवा रहे थे। काम के दौरान यानी कि इन्होंने इनका मजदूरी का पैसा भी यानी कि कटा दिया, फिर भी मालिक यानी इनको खाने पीने को कंटिन्यू नहीं दे रहा था, उनके साथ मारपीट वगैरह कर रहा था और जो बच्चों की तबीयत वगैरह खराब हो रही थी तो उनका इलाज भी नहीं करवा रहा था। और जैसे ही बच्चे बीमार वगैरह हो रहे थे और उनको पानी यानी कि पानी स्वच्छ पानी नहीं दिया जा रहा था, जो पानी दिया जा रहा था उसमें कीड़े वगैरह भी थे। और जैसे ही अपने कलेक्टर सर को भगवानपुरा के जो लेबर है उनकी भाग कर आया था अफसर करके, उसने यानी कि यहाँ पर कलेक्टर सर में आवेदन दिया और पुलिस डिपार्टमेंट टीम का एक दल कलेक्टर सर के मार्गदर्शन से गठित किया गया, जिसमें कि श्रम विभाग, पुलिस विभाग और जनसहाय संस्था की टीम जाकर महाराष्ट्र के बीड जिले के बोरगांव गेवराई तालुका से इनका रेस्क्यू किया गया, जिसमें कि 7 महिला, 6 पुरुष और 7 बच्चों का रेस्क्यू किया गया। 20 लोग थे टोटल मिलाकर, और उनका यानी कि रेस्क्यू करने के दौरान यानी कि मालिक इनको आने नहीं दे रहा था कि मेरा तो काम करना है,
कंटिन्यू यानी काम कर रहे थे वो लोग 16 कम से कम यानी कि 16 घंटे तो काम करते थे ना, तो उनको खाने पीने को बराबर मिल पाता था क्योंकि रात के 12 बजे तक के अगर वो काम कर रहे तो कब आके खाना वगैरह बनाएंगे और कैसे यानी कि वो सो बच्चे जैसे कि बच्चे भी प्रॉपर रो रहे थे यानी कि खाने पीने को नहीं मिल रहा था तो भूखे प्यासे यानी बच्चे भी सो जाते थे और मालिक द्वारा सिर्फ उनको चावल ही खाने को दिया जा रहा था क्योंकि अच्छी लालच का बोलकर यानी कि ले जाते और वहां पर यानी कि 12-12, 16-16 घंटे काम करवाते और पैसा भी नहीं दिया जाता मजदूरी का। नाम है यास्मीन खान, जनसार संस्था स्टेट कोऑर्डिनेटर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।